हम लोग जाएंगे चोर बाज़ार, और चोर बाज़ार से बहुत सारे चीज़ खरीद सकते हैं, आईफोन भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी जाने के बाद, अभी नहीं, वहाँ पे जाएंगे उसके बाद गारंटी नहीं कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चोर बाज़ार में ना पूरा सस्ता सस्ता मिलता है, चप्पल जूता जितना धर दे दुनिया ना सब चीज़ सस्ता मिलता है। फाइनली गाइस अभी हम लोग चोर बाज़ार गए थे तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा महंगा महंगा सस्ता में मिल रहा था, आईफोन हो गया 11 प्रो, जितना मतलब लेना था महंगा वो सारा का सारा मिल जाता। लेकिन वहाँ मतलब 1 लाख का फ़ोन है तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे फ़ोन या वीडियो करना मतलब दिखाना अलाउ नहीं है, नहीं तो ढपा जाएगा फ़ोन, गारंटी भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस फाइनली हम इधर देख रहे हैं कोलकाता, और गाइस अभी देखिए ये अभी यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसी के बगल में हम लोग फ़ोटो ले खिंचवा रहे हैं। बस स्टैंड जस्ट पीछे था हम लोग का, पीछे अभी थोड़ा ड्रेस वगैरह हुए, उसके बाद अभी जस्ट यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से सर्च वगैरह करके देखते हैं किधर जाना है या नहीं जाना है, यहाँ से घूमना है, और उसके बाद आप लोगों को पता चलाएगा, पता चलेगा। चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं कहाँ से जाने वाले हैं, टेंशन मत लेना है। टेंशन नहीं लेना है, पूरा दबा के पूरा घूमेंगे कोलकाता शहर में, के पूरा क्लीनिंग है, मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसमें अभी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा आनंद ही आनंद। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं पार्क या फिर ओवर ब्रिज में, ओवर ब्रिज नहीं ये बोल सकते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ से सामने हावड़ा ब्रिज है, और हम लोग वहाँ से अभी क्रॉस किए, काफ़ी मतलब लंबा लंबा चौड़ा था ओवर ब्रिज, ये क्या बोल रहे थे हावड़ा ब्रिज, सॉरी हावड़ा ब्रिज, ओवर ब्रिज हावड़ा ब्रिज। तो अभी वहाँ से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो है, जितना भी गाड़ी है रहता है ना मतलब पहले ज़माना का, सब का सब टैक्सी में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे मिलेगा अधिकतर इसी मात्रा में, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में, बस यही देखने को मिला एक अलग यूनिक। और बाकी बात आप लोगों को बताते चलेंगे क्या क्या मिलता है यूनिक का देखने के लिए। गाइस हम जस्ट इसके नीचे आए तो मिला हम लोग को देखने के लिए ये नदी, और देखिए कितना बड़ा बड़ा नाव है, इधर से तो मतलब बैठने वगैरह का दोनों मिलेगा, यहाँ पे नहा सकते हैं आराम से, देखिए इस लोग नहा भी रहे हैं, और देखिए यहाँ पे भगवान वगैरह हैं, प्रणाम वगैरह करेंगे, उसके बाद देखिए बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा टर्न ट्रेन भी है, मतलब सॉरी नाव भी है, जहाज जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से हावड़ा ब्रिज भी दिख रहा है, देख सकते हो उधर हावड़ा ब्रिज और नाव वगैरह भी। हम लोग अभी वहीं से आ रहे थे, उधर से क्रॉस करते हुए आए इधर की ओर से, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, लेकिन अभी सुबह सुबह अभी कितना बज रहा है, अब 5:08 हो रहा है, तो इतना सुबह सुबह कुछ नहीं होगा मिलेगा, अभी नहाना होना है फ्रेश से, आराम से फ्रेश वगैरह होना है, उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। तो गैस ब्लॉग में बना रहिएगा, दिखाते कुछ यूनिक चीज़ें। और गैस हम लोग को ये देखने को मिला कि ये जो दिख रहा है ये ट्रेन का रास्ता है, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये घूमने के लिए सिर्फ है, ये ओनली फॉर घूमने के लिए है, इसमें टिकट कटता है स्पेशल उधर से, और यहाँ पे शाम को घूम सकते हैं शाम सुबह। और बाकी बात हमको लगा ये ट्रेन का मतलब रास्ता होगा पटरी, तो ये पटरी नहीं है, ये घूमने के लिए स्पेशल बनाया गया, अच्छा यहाँ से व्यू वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस हम लोग चलते हैं दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगा, मिलते हैं। तो गाइस उधर से आने के बाद हम लोग ना ये जगह बैठ गए शांति से, देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग का कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं था कि कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पर बैठ करके हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग को कहाँ जाना है। और फाइनली अभी एक जगह मिला है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं, क्या बताएं, ठीक ठाक है, मस्त है। कोलकाता में देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं, और चोर बाज़ार तो पक्का है, वहाँ पे जाना है,
फिक्स है, लिखित है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सामान भी खरीदना है। इसके लिए हम लोग जाएंगे चोर बाज़ार, और चोर बाज़ार से बहुत सारे चीज़ खरीद सकते हैं, आईफोन भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी जाने के बाद, अभी नहीं, वहाँ पे जाएंगे उसके बाद गारंटी नहीं कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चोर बाज़ार में ना पूरा सस्ता सस्ता मिलता है, चप्पल जूता जितना धरते दुनिया ना सब चीज़ सस्ता मिलता है। तो चलिए चलते हैं वहीं पे, अभी तो नहीं, अभी तो सुबह है, बहुत ज़्यादा सुबह है, तो अभी फ्रेश वगैरह होते पा रहे, उसके बाद चलेंगे। अभी एक पार्क ढूंढ रहे हैं जिसमें हम लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है, और पहले वहीं चलेंगे उसके बाद चोर बाज़ार चलेंगे 10 बजे के बाद। उसके बाद हम लोग का 9 बजे, हाँ 9 बजे रात को फ्लाइट है, ट्रेन है, तो 9 बजे ट्रेन पकड़ेंगे सीधे रांची, रांची चलेंगे। काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ चल रही है, 2-2 सेकंड में निकल रही है। टैक्सी इतना है कि कहना नहीं, टैक्सी खाली पीला कलर की मिलेगी, अरे पीला कलर की, और एक देख सकते हो उधर भी लगा है, इतना ज़्यादा टैक्सी है, और ये सब का सब टैक्सी पुराना मॉडल का। साला हम लोग झारखंड में तो ऐसा मिल भी नहीं करता है, न कोलकाता में मिल रहा है टैक्सी का, ऑडी जैसा लगता है जी, हम लोग घर वाला तरफ चल जाएगा ऑडी बोलेगा इसको, लेकिन यहाँ टैक्सी है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी रखा ना जी, कुछ भी हो मज़ा आ रहा है। चलिए चलते हैं, कहाँ पे अगला प्लानिंग है वहीं पे आप लोगों को ले चलते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा लेने वाले, दिलवाने वाले हैं, और आप लोग मज़ा करने वाले हैं, ठीक ना। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बाकी बहुत मज़े लीजिए हमारे साथ, देवेंद्र ब्लॉग के साथ मज़ा लीजिए, भरपूर मज़े। फिर एक टैक्सी पार हो गया, फिर उधर से पार होगा, फिर एक आ रहा है, देखिए फिर ही फिर जा रहा है एक टैक्सी, फिर जा रहा है एक टैक्सी, फिर जा रहा है एक टैक्सी, मतलब 10 मिनट में आपको मिलेगा यहाँ पे टैक्सी। अब गड्ढा में भी रहिएगा ना तो खोज के निकाल लेगा टैक्सी, ताकि इतना टैक्सी है कि साला 2 मिनट में पहुँच जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे साला हम लोग को नहीं पूछ रहा है आ रहा है लेकिन निकल जा रहा है, हम लोग को शकलवा देख के साथ भाग जा रहा है। गाइस जहाँ पे हम लोग आए हैं वहाँ पे तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन पता नहीं कौन जगह है, हम लोग लिखल भी नहीं, लिखा भी होगा तो हम लोग पढ़ने नहीं सक रहे क्योंकि कोलकाता भाषा में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ का लिखल है, फिर भी जो भी हो लेकिन अच्छा चीज़ है, मज़ा आ रहा है, खूबसूरती है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड में भी जंग आ गया है, सच पता नहीं चल रहा था, कहाँ बता रहे आप लोग, हेलो बोर्ड वो नहीं सही टांगता है लिख लाख के, जो भी हो काफ़ी अच्छा है। 15 किलो तेल तो फाइनली गाइस हम इसका फोटो बिगाड़ने के लिए आ गए हैं, ये कोलकाता का हाई कोर्ट है, देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा सुंदरता से भरा हुआ है, हम लोग का हाई कोर्ट देखिए और इधर का हाई कोर्ट देखिए, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, सुंदरता तो काफ़ी अच्छा है, क्लीनिंग भी अभी सुबह सुबह तो उतना क्लीनिंग नहीं है, लेकिन क्लीनिंग भी अच्छा खासा है, जो भी हो लेकिन मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये हाई कोर्ट है, हम लोग ना दूसरा चीज़ समझ रहे थे, तो फिर हम लोग सर्च वगैरह किए तो पता चला कि ये हाई कोर्ट है, कोलकाता का हाई कोर्ट। तो बस अभी स्टेडियम की ओर चलते हैं, और मार्केट वहाँ बगल में ही है, तो पहले स्टेडियम चलेंगे, बगल में ही है स्टेडियम, तो उसके बाद हम लोग मार्केट चलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, और खाएंगे पियेंगे उसके बाद टैट से फिर दूसरे जगह घूमेंगे, टेंपल वगैरह घूमेंगे, फिर मज़ा दिखाते हैं आप लोग तो आगे क्या होगा सो। बाकी बात देखिए इन लोग बकलोलवेन के पूरा हमेशा खाली हंसाते हुए निकालते रहता है,
और इन लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, खाली दांत। और देखिए हाई कोर्ट, कोलकाता का हाई कोर्ट। और अभी हम लोग चल रहे हैं इस रास्ते की ओर। थाना नहीं है जी, जेल है, कोर्ट, कोर्ट कोर्ट है, कोर्ट गेट। देखिए कोर्ट ठीक ठाक पूरा। और अभी जा रहे हैं हम लोग स्टेडियम की ओर। स्टेडियम से जस्ट बगल में मार्केट है, वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं। देख रहे हो गाइस, ये जो लाइटिंग लगा हुआ है ना, टावर, ये जो टावर लगा हुआ है ना, ये स्टेडियम के लिए लगा हुआ है। लाइट है, लाइट, हाँ, जो इसके बगल में ही मिलेगा स्टेडियम। हम लोग नहीं जा, इसी के अंदर है स्टेडियम। तो अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सीधा हम लोग मार्केट जाएंगे, क्योंकि भूख वगैरह बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा इसके लिए। बाकी बस इसके अंदर ही है स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है। और देखिए उधर आदमी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इधर भी हाईकोर्ट का पूरा नज़ारा है, बहुत बड़ा हाईकोर्ट है। कोलकाता वालों, अगर आपको ये सीन आपको दिख रहा है तो हमको ये पता नहीं कहाँ का सीन है। आप लोग अगर देख रहे हैं ये वीडियो को तो बताइएगा ज़रूर कहाँ का वीडियो है। बाकी बात काफ़ी अच्छा है, क्लीनिंग पूरा है रास्ता। और बीच में देख सकते हैं स्टेडियम, यहाँ से सब चीज़ दिख रहा है। वाह, रास्ता पूरा हैवी है, पूरा फाड़ू वाला। झारखंड में नहीं है इधर, इस टाइप से झारखंड में नहीं है। तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग पार्क में घुस गए हैं, देख सकते हैं। और हम लोग को प्यास लगा है बेल के, कहने पानी का। तो अभी हम लोग पहुँच जा रहे हैं पीने के लिए, टंकी मिल गया, देख सकते हैं उधर है। जूम नहीं हो रहा है, जूम करके दिखा देते हैं आपको। जस्ट अभी हम लोगों को बहुत देरों से, देर के बाद मिला है हम लोगों को पानी। पहले बोतल में भरते हैं दबा के, उसके बाद पीते हैं। पहले चेक करते हैं पानी अच्छा निकल रहा है या नहीं, नहीं तो बाद में पकती। भाई लोग पूरा ख़राब करके छोड़ दिया है, अब तो चबा दिया है। नहीं, कुत्ता उत्ता होगा इसका करामत। ठीक है ठाक है पानी, तो इसको जग में भरते हैं। खाने के बाद हम लोग मुँह कान धो धा के पूरा फ्रेश हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, जाकर मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। देखने को मिला है हमको, ये देखिए घोड़ा का ट्रेनिंग हो रहा है, जो कि वहाँ पे मज़ा आ रहा है। चलो देखते हैं वहाँ पे जा कर के। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बालू है वहाँ पे रखा हुआ, और उसी में घोड़ा लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, दौड़ाने का, सिखाने का, जो भी हो। चलिए जा कर के सामने देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस शायद लग रहा है, नहीं 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 जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। देखिए अभी किस टाइप से दौड़ाने का, बाहर निकालने का, पूरा इसी ग्राउंड में कर रहे हैं लोग घोड़ा के साथ। मज़ा उधर भाई, लेकिन एक टर्ल भी लगे थे। देख सकते हैं कितना हैवी है, डर लगे तो भाई। कोलकाता में 9 अगस्त शहीद मीनार बहुत बड़ा है, शहीद मीनार इसी के नीचे हम लोग अभी जस्ट बैठे हुए हैं, आराम कर रहे, वेटिंग कर रहे हैं कब ओपन होगा बाजार, मार्केटिंग, मार्केट खुलेगा, वैसे मार्केट खुलेगा उसी टाइम हम लोग निकलेंगे, मतलब 9 या 10 के बीच में खुल जाता है, तो हम लोग वहीं पे मार्केट जाएंगे और कुछ सामान खरीदने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो यार देखिए अंदर अंदर मेट्रो का सुविधा है यहाँ पे कोलकाता में, हमारे यहाँ झारखंड में इस टाइप से नहीं है।
फाइनली गाइस अभी हम लोग चोर बाजार गए थे तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा महंगा महंगा सस्ता में मिल रहा था। आईफोन हो गया 11 प्रो, जितना मतलब लेना था महंगा वो सारा का सारा मिल जाता। लेकिन वहाँ मतलब 1 लाख का फ़ोन है तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे फ़ोन या वीडियो करना मतलब दिखाना अलाउ नहीं है, नहीं तो ढपा जाएगा फ़ोन, गारंटी भी नहीं है। और ढपा गया तो समझ सकते हैं मिलेगा भी नहीं, तो दिल आ जाएगा तुरंत। हाँ, और आईफोन ऐसा चीज़ है कि किसी को भी दिल आ सकता है, तो फ़ोन उन यूज़ मत करिएगा वहाँ पर जाइएगा तो, और करिएगा तो अपने हिसाब से, नहीं तो पता चलेगा करने के बाद सीधा क्लियर। हाँ, उसका पार्ट पुर्जा जितना रहता है सब निकल जाता है, इसीलिए नहीं लीजिए वही अच्छा रहता। हम लोग निकल गए वहाँ, नहीं लिए कुछ भी। और अभी जस्ट हम लोग नाश्ता करने के लिए निकल गए हैं। अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी जस्ट हम लोग आए हैं होटल की, और बहुत मतलब सुबह से कुछ नहीं खाए हैं इसी के चक्कर में, क्योंकि 9 बजे खुलता है मतलब ये मार्केट वगैरह, तो 9 बजे हम लोग वेट किए, उसके बाद गए। अभी जा करके नाश्ता वगैरह करने जा रहे हैं। तो आगे दिख रहा है एक होटल, इसी में खाते अभी और कोलकाता का टेस्ट लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। हम लोगों का सुबह का नाश्ता, सैंडविच। तो फाइनली गाइस आज हम लोग को बहुत परेशानियों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग का रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ और ब्लॉग तो हम बना नहीं पाए क्योंकि समस्या इतना था कि करना नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और कुछ देर बचा हुआ है। और गैस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मंडा वाला ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग का गाँव में पता ही है हर साल लगता है मंडा, लास्ट इसी बार लगेगा, बाकी बार तो हम लोग का गाँव पूरा ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ लगने सकेगा। इसके लिए हम आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे मंडा हम लोगों के गांव में कैसे लगता है, क्या होता है सारे प्रोसेस। तो ब्लॉग में बन रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।